वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस। आज हम साउथ अमेरिका के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और साउथ अमेरिका में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माउंटेन्स को, प्लेटो को, पैसेजेस एंड स्ट्रेट्स को और लेक्स को। और आगे हम डिस्कस करेंगे आज नदियाँ और मैदानी क्षेत्र और अन्य जो चीज़ें हैं दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साउथ अमेरिका में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिवर्स और नदियों में ये प्रमुख नदियाँ हम देखेंगे। अब देखिए ओरिनोको नदी, अमेजन, साउ फ्रांसिस्को, पराना और कोलोराडो, इन रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले सबसे ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में दिख रही है आपको, नॉर्दर्न पार्ट में, ये है ओरिनोको नदी, ये है अमेजन नदी और ये है साउ फ्रांसिस्को नदी, ये है पराना नदी और ये है कोलोराडो नदी। तो इन रिवर्स को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओरिनोको नदी को। ओरिनोको नदी जो है ये वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा मैप वेनेजुएला का है। सो वेनेजुएला की प्रमुख नदी है और ये निकलती है यहाँ पर जो गुयाना हाईलैंड है, गुयाना उच्च भूमि। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने गुयाना उच्च भूमि की थी जो कि ब्राजील और आसपास के वेनेजुएला और आसपास के कुछ देशों में विस्तृत है। तो उसी गुयाना हाईलैंड से इस ओरिनोको नदी का उद्गम होता है। यहाँ से वेनेजुएला में ओरिजिनेट होने के बाद आगे ये रिवर जाती है और अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है, अटलांटिक महासागर में। ओरिनोको नदी जो है ये वेनेजुएला की सबसे लंबी, सबसे प्रमुख, सबसे मेजर रिवर है। इस रिवर की खास बात यह है कि इस रिवर के बेसिन रीजन में, इसका जो बेसिन क्षेत्र है, बेसिन का मतलब होता है जहां जहां से नदी जिस पर्टिकुलर एरिया से जल प्राप्त कर रही है, तो इसके बेसिन एरिया में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और इसी वजह से वेनेजुएला जो है पेट्रोलियम उत्पादन करता है और इस देश की इकोनॉमी में इस नदी का बेसिन क्षेत्र बहुत योगदान करता है। लास्ट वीडियो में हमने मराकाइबो झील की थी, उसके भी बेसिन क्षेत्र में, उसके भी आसपास पेट्रोलियम पाया जाता है। और इसीलिए ओरिनोको और मराकाइबो झील के कारण वेनेजुएला में पेट्रोलियम उत्पादन काफी अच्छा खासा होता है। तो ओरिनोको नदी की एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज, ओरिनोको का जो बेसिन है उसी में स्थित है लानोस नाम के घास के मैदान। और ये जो लानोस घास के मैदान है ये ट्रॉपिकल रीजन में है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इसीलिए लानोस जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सवाना टाइप के होते हैं। सवाना घास का मैदान जो है वो सहारा, इसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में स्थित है। और अफ्रीका में जो सवाना घास का मैदान है इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण में स्थित, उस सवाना घास के मैदान में जो विशेषताएं पाई जाती है वही विशेषता सभी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट जो इस सवाना क्लाइमेट की विशेषता है वो ये है कि इसमें एक डेफिनेट वेट और ड्राई सीजन होता है, इसमें एक निश्चित शुष्क और आर्द्र जो ऋतु होती है वो देखने को मिलती है, और वो यहाँ पर देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो लानोस घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और इस घास के मैदान के अलावा इस ओरिनोको नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदी है जो आपको यहाँ पे दिख रही है कैरोनी। और कैरोनी नाम की जो सहायक नदी है इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पर यहाँ एक बांध स्थित है जिसका नाम है गुरी बांध। और इस गुरी बांध से ये एक जलाशय बनता है, ये वाटर रिजर्वर बनता है और इस रिजर्वर का नाम भी है गुरी रिजर्वर। सो गुरी बांध से गुरी जलाशय बनता है। गुरी बांध जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गुरी बांध के अलावा इस कैरोनी नदी से एक और इम्पॉर्टेंट नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है चुरून। और ये जो चुरून नदी है इस पर स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। अक्सर जो है कैरोनी तक ही सीमित रखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, चुरून नदी तक नहीं जाते। तो वास्तव में एंजल वाटरफॉल है चुरून नदी पर चुरून नदी किसकी सहायक नदी है? कैरोनी की। और कैरोनी किसकी सहायक नदी है? ओरिनोको की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो एंजल वाटरफॉल है ये ओरिनोको रिवर बेसिन का ही पार्ट है, नदी बेसिन क्षेत्र जो है उसी का भाग माना जाता है। तो ओरिनोको और उसकी सहायक नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, पेट्रोलियम है इसके बेसिन क्षेत्र में और घास के मैदान है। तो ये ओरिनोको नदी की कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको यहाँ पे मैप में नजर आ रही हैं। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं। अब इन ओरिनोको से रिलेटेड चीजों को हम टेक्स्ट में भी देख लेते हैं और क्विकली डिस्कस करते हैं। तो देखिए
ओरिनोको नदी जो है ये गुयाना पठार से निकलती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है। वेनेजुएला देश की प्रमुख नदी है। इसके बेसिन क्षेत्र में लानोस घास के मैदान हैं, पेट्रोलियम भी पाया जाता है। केरोनी इसकी सहायक नदी है जिस पर गुरी बांध है, गुरी डैम, और केरोनी नदी की सहायक नदी है चुरून, जिस पर एंजल वाटरफॉल है, एंजल जलप्रपात। और एंजल वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, लगभग 979 मीटर हाइट है इसकी। और ये जो है ये इंग्लिश में यही बेसिक चीज़ें हैं। तो ओरिनोको नदी जो है ओवरऑल वेनेजुएला की एक मेजर रिवर है, और नदन जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है। यहाँ पे जो वेनेजुएला के मैप में आपको दिख रहा है ये ओरिनोको नदी है, ये वाला जो पर्टिकुलर क्षेत्र है ये ओरिनोको के बेसिन में जो पेट्रोलियम पाए जाते हैं उस पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है। और इस पेट्रोलियम की वजह से ही वेनेजुएला में रिफाइनरीज हैं, और रिफाइनरीज के साथ साथ हैवी ऑयल बेल्ट यहाँ पर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है तेल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इन सब के डेवलपमेंट में। अब ओरिनोको के बाद नेक्स्ट जो रिवर हम डिस्कस करेंगे वो है अमेजन रिवर। अब देखिए अमेजन रिवर में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अमेजन नदी जो है ये ब्राज़ील की प्रमुख नदी है, हालांकि ये दूसरे देशों से भी गुजरती है। अब जिन दूसरे देशों से ये गुजरती है वो है पेरू, कोलंबिया, और ब्राज़ील तो है ही, ये पूरा ब्राज़ील, तो इन तीन देशों से बहते हुए जाती है, पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील। निकलती कहाँ से है? तो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ से अमेजन नदी का उद्गम होता है, और जाकर ये गिरती है अटलांटिक ओशन में इस तरफ। अमेजन नदी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेजन विश्व में सबसे बड़ी नदी है, काफी ज्यादा मात्रा में ये जल लेकर जाती है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और लेंथ के हिसाब से देखें अगर तो दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी वास्तव में कौन सी है? अफ्रीका में जो नाइल रिवर है, नील नदी, वो लॉन्गेस्ट है। उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजन रिवर। सो अमेजन रिवर की ये इंपॉर्टेंट चीज है, लार्जेस्ट रिवर है और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। अमेजन नदी जहां स्थित है ये इक्वेटोरियल रीजन है, विषुव रेखीय क्षेत्र। तो अमेजन का बेसिन एरिया जो है इक्वेटोरियल रीजन में है, विषुव रेखीय क्षेत्र में। इसी वजह से अमेजन नदी के बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, इसलिए क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में काफी भारी बारिश होती है और थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर वर्षा होती है। और इसी वजह से इन रेन फॉरेस्ट की वजह से अमेजन नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वनस्पति का विकास होता है, जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। अमेजन के जो बेसिन में वर्षा वन है उन्हें ये नाम दिया जाता है सेल्वास। सो सेल्वास कहते हैं अमेजन के बेसिन में जो रेन फॉरेस्ट है उनको, जो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट है कि इन्हें विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में टेरेस्ट्रियल रीजन्स में या लैंड रीजन में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो अमेजन रिवर बेसिन में पाई जाती है, नदी बेसिन क्षेत्र में। अब अमेजन नदी जो है इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, जैसे इसके कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी जो आपको यहाँ पर दिख रही है, एक तो है मैडिरा। मैडिरा के अलावा इसकी एक अन्य सहायक प्रमुख सहायक नदी है नेग्रो। ये दो तो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके अलावा भी छोटी मोटी और ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे टापाजोस, जापुरा, इस तरह की और भी सहायक नदियां हैं इसकी। नेग्रो, मैडिरा जैसी सहायक नदियों का विस्तार और इस बेसिन का विस्तार काफी ज्यादा है, और इसी वजह से अमेजन के बेसिन में ब्राजील के कुछ घास के मैदान भी हैं, और ये घास के मैदान भी ट्रॉपिकल हैं क्योंकि इक्वेटर के थोड़ा पास में ही है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और ये जो घास के मैदान है इनका नाम है कैंपोस, सेराडोस, कैटिंगस, ये तीनों ही ब्राजील में है। तो जैसे हमने लास्ट रिवर की थी ओरिनोको के बेसिन में जो घास के मैदान है वो लानोस है, अमेजन के बेसिन में जो घास के मैदान है वो है कैंपोस, सेराडोस और कैटिंगस। सो ये ग्रासलैंड्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है इसके बेसिन एरिया में। सो अमेजन नदी जो है उसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें, और जो मैंने आपको बताया था रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाते हैं, विश्व के फेफड़े के नाम से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी। तो अमेजन नदी में ये मुख्य चीज़ें हैं, और अब हम अमेजन का जो बेसिक टेक्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अमेजन नदी में उद्गम एंडीज पर्वत से होता है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, सबसे बड़ी नदी है विश्व की और दूसरी सबसे लंबी है।
और सेल्वास नाम के वर्षावन इसके बेसिन में है। कैंपो सेराडोस कैटिंगस नामक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इसके बेसिन में है। उसके अलावा नेग्रो और मेडिरा, नीग्रो नहीं है ये नेग्रो है, नेग्रो और मेडिरा नाम की इसकी सहायक नदियां हैं। और उसके अलावा ये अगर देखा जाए कोलंबिया, पेरू और ब्राजील में विस्तृत है या उन देशों से बहती है। सेल्वास रेन फॉरेस्ट जो है ये लंग्स ऑफ द वर्ल्ड या विश्व के फेफड़े भी कहलाते हैं। अमेजन बेसिन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन बना था आरएस 2013 में, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, वो है अमेजन के वर्षावन। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर की, और ये जो नेक्स्ट रिवर है वो है साओ फ्रांसिस्को रिवर। साओ फ्रांसिस्को रिवर जो है वो केवल ब्राजील में स्थित है, ये पूरा मैप ही ब्राजील का है, ब्राजील के स्टेट्स हैं ये। सो ब्राजील की प्रमुख नदी है। आपको याद होगा ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भाग में, साउथ ईस्टर्न पार्ट में ब्राजीलियन हाइलैंड्स हैं। उस ब्राजीलियन हाइलैंड से कई सारी नदियां निकलती है जैसे पराना और साओ फ्रांसिस्को। तो साओ फ्रांसिस्को रिवर जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली नदी है। ब्राजील के उच्च भूमि क्षेत्र से मिनास गेरास जो क्षेत्र राज्य है वहां से निकलने के बाद ये आगे जाके और अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है। आपको याद होगा मिनास गेरास जो है ये ब्राजीलियन उच्च भूमि में के ऊपर स्थित एक प्रमुख राज्य है ब्राजील का, और ये राज्य जो है ये खनिजों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे मिनरल्स का स्टोर हाउस भी कहते हैं, ब्राजील में स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेट में काफी सारी आयरन ओर की माइंस हैं, जैसे इताबिरा माइंस और भी कई सारी माइंस, और उन माइंस को हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये ब्राजील की प्रमुख नदी है, केवल और केवल कम्प्लीटली ब्राजील में बहने वाली रिवर है, और कम्प्लीटली ब्राजील में बहने वाली नदियों में अगर हम देखें तो ये सबसे लंबी है। अमेजन नदी भी ब्राजील से गुजरती है, वो भी काफ़ी लंबी है, बट अमेजन नदी दूसरे देशों से भी होकर गुजरती है, ये केवल ब्राजील में बहती है। तो ओनली ब्राजील में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है ये नदी। इस रिवर की खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ब्राजील के दक्षिणी भाग को उसके उत्तरी भाग से जोड़ रही है, खास तौर पर दक्षिण पूर्वी भाग को, साउथ ईस्टर्न पार्ट को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से जोड़ रही है। और इसी वजह से ये नदी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है ब्राजील के सदर्न पार्ट को उसके नॉर्दर्न पार्ट से, और इसीलिए इसको कहा जाता है राष्ट्रीय एकता की नदी, रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट है ब्राजील के लिए, अमेजन भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। कल्पना कीजिए अगर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक अगर कोई नदी हो तो वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी तरह का महत्व इस नदी का है। तो आप देखिए यही सब चीजें यहाँ पे दे रखी है, ब्राजील के पठार से अटलांटिक महासागर में गिरती है, पूर्ण रूप से ब्राजील में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है, राष्ट्रीय एकता की नदी या रिवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कहलाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्री में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट रिवर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और ये नेक्स्ट रिवर है पराना रिवर। आपको याद होगा हमने जब ब्राजील का पठार किया था तब हमने देखा था कि एक तरफ तो ब्राजील के पठार में उत्तर की ओर जाती है साओ फ्रांसिस्को नदी, दूसरा दक्षिण की ओर जाती है पराना नदी। तो पराना नदी का उद्गम भी कहां से होता है, ब्राजील के पठार से। पराना नदी भी आगे जाकर अटलांटिक महासागर में ही गिरती है, पर इस नदी से रिलेटेड और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। तो ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है ये है पराना नदी। पराना नदी जहां जाकर गिरती है महासागर में उस पर्टिकुलर भाग को कहा जाता है, इस खाड़ी क्षेत्र को कहते हैं रियो डी ला प्लाटा, इसे रियो डी ला प्लाटा कहा जाता है। और इस येलो कलर की जो दिख रही है पराना नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां, रेड कलर में जो दिख रही है आपको, परागुए और उरुग्वे, ये दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, और भी हैं बट ये दो प्रमुख हैं। तीनों नदियां परागुए, उरुग्वे और पराना, ये तीनों जब मिल जाती है सम्मिलित रूप से इनको कहते हैं प्लाटा नदियां, और इसीलिए जहां ये गिरती हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है रियो डी ला प्लाटा।
सो ये प्लाटा रिवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सेंट्रल पार्ट है साउथ अमेरिका का, जो मध्यवर्ती भाग है उसमें कई सारे देशों से गुजरती है ये प्लाटा नदियाँ। मध्यवर्ती भाग मतलब ब्राज़ील का दक्षिणी भाग, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, इन सब का जो सेंट्रल पार्ट है उसे कहा जा रहा है। साउथ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिवर्स। अब ये रिवर्स कौन कौन से, ये बेसिन जो है इस पराना और उसकी सहायक नदियाँ वो कौन कौन से देशों में विस्तृत है वो देखिए। ये जो हिस्सा है पराना जो निकल रही है ब्राजीलियन हाईलैंड से, ये है ब्राजील में। तो पराना नदी ब्राजील से भी बहती है और इसकी सहायक नदी जो है पराग्वे देश से गुजरती है, पराग्वे देश है। पराग्वे देश के अलावा अर्जेंटीना देश की सीमा को भी छूती है और यहाँ एक देश है उरुग्वे। तो ये जो पराना का बेसिन है ये फैला हुआ है उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील देशों में। अब ये नदियाँ जो है ये कुछ देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होते हुए गुजरती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से होते हुए गुजरती हैं। जैसे सबसे पहले देखिए पराना नदी, पराना नदी अभी तक ब्राज़ील में है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पराना नदी एंटर कर रही है पराग्वे में। तो पराना नदी पराग्वे देश और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये अर्जेंटीना का भाग है, ये वाला पार्ट ये अर्जेंटीना है ये। तो पराना नदी जो है ये ब्राज़ील से एंटर करती है, आगे जाती है और पराग्वे और अर्जेंटीना के सीमा क्षेत्र से होती भी गुजरती है और फिर ये नदी जो है आगे जाकर और फिर रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। उससे पहले ये नदी यहाँ बॉर्डर बनाती है पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच। ये अर्जेंटीना का हिस्सा है, ये पराग्वे का हिस्सा है, ये भी पराग्वे का हिस्सा है और ये अर्जेंटीना का हिस्सा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पराना नदी बॉर्डर बना रही है पहले तो ब्राजील और पराग्वे के बीच में, ये ब्राजील पराग्वे के बीच में बॉर्डर है ये वाला, और ये बॉर्डर जो है ये पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। तो इस तरह से इन देशों के बीच सीमा क्षेत्र से बहती है पराना नदी। को अगर आप देखेंगे तो पराना नदी पहले तो बॉर्डर बनाती है पराग्वे और इस तरफ है ब्राजील, पराग्वे और ब्राज़ील के बीच में। फिर पराग्वे नदी जो है बॉर्डर बनाती है यहाँ पर और ये है पराग्वे और अर्जेंटीना का बॉर्डर। और उरुग्वे नदी को आप देखेंगे अगर, ये ब्राज़ील में है अभी, ब्राज़ील से फिर ये अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बॉर्डर पे बहती है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील का बॉर्डर है, फिर ये आगे उरुग्वे और अर्जेंटीना के बॉर्डर से बहती है। तो ये नदियाँ जो है कई सारे देशों के सीमा क्षेत्र से होते हुए गुजरती हैं। इसके अलावा ये जो पराना नदी है जहां पे पराग्वे और ब्राजील का बॉर्डर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहां पर इस नदी पर एक बांध है जिसका नाम है इताइपो बांध। इताइपो डैम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि पराना नदी पर स्थित है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, सेकेंड लार्जेस्ट डैम है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इसकी क्षमता है जल विद्युत उत्पादन करने की वो विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा है और सेकेंड लार्जेस्ट डैम है ये। थ्री गॉर्जेस डैम है चाइना का, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध। तो इसीलिए यहाँ पर एक इताइपो बांध स्थित है पराग्वे ब्राजील बॉर्डर पर। उसके अलावा ये जो यहाँ पराना नदी आकर मिल, पराना नदी से पराग्वे नदी आकर मिलती है, पराग्वे नदी और इसका जो पराना का बेसिन है इस पर्टिकुलर पार्ट में, यहाँ ब्राज़ील, बोलीविया के थोड़े से पार्ट और पराग्वे, यहाँ एक घास का मैदान है जिसका नाम है ग्रान चाको, वो आगे वाले मैप में आपको और बेटर नज़र आएगा। तो पराना नदी के और उसकी सहायक नदियों के बेसिन में एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जिसका नाम है ग्रान चाको। इसके अलावा इन नदियों को अगर देखें, इनको सम्मिलित रूप से प्लाटा नदियां कहा जाता है। इस पराना की एक सहायक नदी है इगुआजू, और इगुआजू जो इसकी सहायक नदी है उस पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर एक जलप्रपात है जिसका नाम भी है इगुआजू जलप्रपात। तो इगुआजू जलप्रपात वाटरफॉल जो है वो काफ़ी फेमस है अर्जेंटीना और इसके बॉर्डर रीजन पे है ब्राज़ील के, यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट में, ये अर्जेंटीना है ये ब्राज़ील है, इनके बॉर्डर पर स्थित है। तो इगुआजू जलप्रपात, उसके साथ साथ इताइपो नाम का बांध है यहाँ पर, तीन नदियाँ हैं जिन्हें प्लाटा नदियाँ कहा जाता है। और सो ये मेन चीज़ें हैं और कुछ कंट्रीज़ के बीच में ये बॉर्डर भी बनाती हैं। अब हम बात करते हैं, एक अच्छा बेटर मैप आपको नेक्स्ट उसमें देखने को मिलेगा, तो ये देखिए इस मैप को और डिस्कस कर लेते हैं।
देखिए आपको यहाँ पर ग्रान चाको जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसका विस्तार दिख रहा है। ये ग्रान चाको घास का मैदान अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में, थोड़ा सा बोलीविया में, थोड़ा सा पराग्वे में और ब्राजील में इसका पार्ट नहीं है। सो मेनली बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में विस्तृत है ग्रान चाको घास का मैदान। अब ये जो नदियां हैं उनको हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें आपको पराना नदी, ये वाली, ये है पराना नदी। अब आप देख के बताइए पराना नदी किस किस के बॉर्डर से गुजर रही है। सबसे पहले तो पराना नदी यहाँ पर आपको जो दिख रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ ये गुजर रही है पराग्वे, पराग्वे देश और ब्राजील के सीमा क्षेत्र से। फिर उसके बाद पराना नदी आगे आकर और बॉर्डर रीजन से बहती है यहाँ पर, और यहाँ ये बॉर्डर बना रही है किसके बीच में, पराग्वे और ये अर्जेंटीना का भाग है, ये अर्जेंटीना है। सो पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच भी सीमा क्षेत्र से बहती है पराना नदी। तो पराना नदी पराग्वे ब्राजील और पराग्वे अर्जेंटीना के सीमा क्षेत्र से बहती है। और पराना नदी के बाद जो इसकी सहायक नदी है पराग्वे, वो भी एग्जैक्टली सेम बॉर्डर बनाती है। जैसे आपको ये दिखेगी यहाँ पर, ये पराग्वे नदी है। पराग्वे नदी पहले तो बॉर्डर बना रही है पराग्वे और ब्राजील के बीच, उसके बाद बॉर्डर बना रही है पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच। तो ये सेम बॉर्डर्स बना रही है पराना और पराग्वे। उरुग्वे नदी जो है वो थोड़ा अलग डिफरेंट बॉर्डर बना रही है। और उरुग्वे जो बॉर्डर बना रही है वो देखिए, उरुग्वे नदी यहाँ से आती है। पहले उरुग्वे नदी बॉर्डर बना रही है ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में, फिर उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में। आप एटलस में देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से देश के बीच में ये बॉर्डर्स बना रही है। तो अब जो इनसे रिलेटेड हमने पढ़ा है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। ब्राजील के पठार से उद्गम रियो दिला प्लाटा में गिरती हैं ये नदियाँ। प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी पराग्वे और उरुग्वे है, और इन तीनों नदियों को सम्मिलित रूप से कहते हैं प्लाटा नदियाँ, प्लाटा रिवर्स। ग्रान चाको नाम का जो घास का मैदान है वो इनके बेसिन में है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। इताइपू बांध जो है वो स्थित है पराग्वे और ब्राजील के बॉर्डर रीजन पर, और कौन सी नदी पर है, पराना नदी पर स्थित है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है। प्लाटा नदियां दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों के बीच सीमा बनाती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया पराग्वे ब्राजील के बीच, पराग्वे अर्जेंटीना के बीच, अर्जेंटीना ब्राजील के बीच, अर्जेंटीना उरुग्वे के बीच। सो पराना, पराग्वे और उरुग्वे सम्मिलित रूप से प्लाटा नदियां कहलाती हैं। इससे रिलेटेड प्री में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो मेजर रिवर है उसकी, और ये रिवर है कोलोराडो। कोलोराडो नदी जो है ये पैटागोनिया पठारी क्षेत्र और मरुस्थली क्षेत्र के उत्तर में बहती है ठीक, और पंपास ग्रासलैंड के ठीक दक्षिण में। तो दोनों के बीच में बाउंड्री सेट कर रही है ये कोलोराडो रिवर। ये कहाँ से निकलती है, ये भी एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक ओशन में गिरती है। बट एंडीज पर्वत से दो प्रमुख धाराएं निकलती हैं और उनके मिलने से ये बनती है कोलोराडो नदी। तो ये दो प्रमुख धाराएं कौन सी है, एक तो है ग्रांडे नाम की नदी जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये वाली, और दूसरी है ब्रांकास नाम की नदी। ये ब्रांकास नाम की नदी ये छोटी सी है। ये दोनों नदियां जब मिल जाती है तो मिलने के बाद सम्मिलित रूप से ये कहलाती है कोलोराडो नदी, और ये नदी आगे जाकर गिरती है अटलांटिक ओशन में। इस कोलोराडो नदी की एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है सलादो। तो सलादो नाम की मेजर ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, ये वाली जो नदी है ये प्रमुख नदी है अर्जेंटीना देश की, अर्जेंटीना की प्रमुख नदी, और पेटागोनिया मरुस्थलीय क्षेत्र में डेजर्ट रीजन के ठीक नॉर्थ में है। तो उस डेजर्ट रीजन में वाटर की सप्लाई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये कोलोराडो नदी। सेम इसी नाम की नदी हमने नॉर्थ अमेरिका में भी की थी। नॉर्थ अमेरिका वाली रिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उससे जुड़ी हुई है जो कि हमने डिस्कस की थी। ये वाली रिवर जो है इसमें बस ये ध्यान रखना है कि पंपास घास के मैदान और पेटागोनिया के बीच में है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है पंपास ग्रासलैंड एंड पेटागोनिया डेजर्ट, दोनों के बीच में है। सलादो नाम की प्रमुख सहायक नदी भी है। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई इससे रिलेटेड। अब इसी को हम टेक्स्ट में देख लेते हैं। सो देखिए, उद्गम एंडीज पर्वत से, ग्रांडे और बारांकस नदी के मिलने से, धाराओं के मिलने से सलादो प्रमुख सहायक नदी है, और ये वाली जो यहां आपको दिख रही है यही है कोलोराडो नदी।
सो ओवरऑल हमने जो मेजर रिवर्स थी पूरे साउथ अमेरिका की वो डिस्कस कर ली है. उसमें सम्मिलित है ओरिनोको, उसमें सम्मिलित है अमेजन नदी, साओ फ्रांसिस्को, पराना नदी और कोलोराडो नदी. अब हम नदियों के बाद बात करेंगे मैदानों की, प्लेन्स की. अब देखिए प्लेन्स आपको याद होगा शुरू में जो हमने भौतिक प्रदेश किए थे फिजियोग्राफिक डिविजन्स, उसमें हमने देखा था चार फिजियोग्राफिक डिविजन्स में साउथ अमेरिका को डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन, एंडीज माउंटेन रीजन, सेंट्रल प्लेन रीजन एंड ईस्टर्न हाईलैंड रीजन. सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो प्लेन्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो प्लेन्स दो हैं, एक तो सेंट्रल वाले और एक वेस्टर्न कोस्टल, पश्चिमी तटवर्ती मैदान और दूसरे मध्यवर्ती मैदान. पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तटवर्ती मैदान को. एंडीज पर्वत का जितना विस्तार है, जितना एक्सटेंशन है, उतने ही लंबे ये पश्चिमी तट पर विस्तृत मैदान है. जिस तरह से एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, उसी तरह से ये जो तटवर्ती मैदान है, ये विश्व में सबसे लंबे तटवर्ती मैदान. लंबे भले ही हो, बट ये काफी सकड़े हैं, बहुत ज्यादा नैरो है ये प्लेन रीजन, और इसीलिए ये ज्यादा कोई बड़ा विस्तृत मैदान नहीं है जो कि उपयोग में लिया जा सके बड़े स्तर पर. ये वाला जो प्लेन रीजन है, इसकी खास बात ये है कि इसमें पूरा जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें जितनी भी मृदा है, उस मृदा में नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. और ये नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पैसिफिक ओशन है और प्रशांत महासागर से महासागरीय पक्षी आते हैं और इस मैदानी क्षेत्र में आकर मलमूत्र जो है वो त्यागते हैं, और उनके मलमूत्र में ही नाइट्रेट और फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है. और इसी वजह से यहाँ की जो सॉइल है उसमें धीरे धीरे नाइट्रेट और फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन मात्रा या सांद्रता ज़्यादा हो जाती है. ये नाइट्रेट और फॉस्फेट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज किया जाता है फर्टिलाइजर्स के निर्माण में, उर्वरकों के निर्माण में. तो ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान फर्टिलाइजर्स के लिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्पेशली यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है इस नाइट्रेट फॉस्फेट को, ताकि ये इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जा सके. इसके अलावा ये जो पक्षी यहाँ पर बीट करते हैं या मलमूत्र त्यागते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको गुआनो पक्षी कहते हैं और उनकी बीट को गुआनो ही कहा जाता है. तो गुआनो पक्षी के कारण नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है. इन सब के अलावा इस प्लेन रीजन में पूरे में ही कॉपर के भंडार काफी ज्यादा अच्छे पाए जाते हैं. खास तौर पर चिली जो देश है यहाँ पर, उसमें कॉपर के रिजर्व्स काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और कॉपर की काफी ज्यादा मात्रा में, यहाँ कॉपर के होने के कारण यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट माइंस भी हैं, तो कॉपर के रिजर्व्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अब ये वाला जो प्लेन रीजन है, इस मैदानी क्षेत्र का ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट में एक मेजर डेजर्ट है जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट. तो एटाकामा जैसा मरुस्थल पाया जाता है, ये एक शुष्क मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है और विश्व का सबसे ज्यादा शुष्कतम, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है. इसी डेजर्ट रीजन में अरिका नाम का स्थान है जो कि चिली के उत्तरी भाग में, जो शुष्कतम स्थान माना जाता है विश्व का. और यहाँ पे ये डेजर्ट क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टल रीजन के पास यहाँ पे एक ठंडे पानी की धारा बहती है, कोल्ड ओशनिक करंट बहती है, और इस कोल्ड ओशनिक करंट का नाम है पेरू करंट. और इस पेरू धारा के कारण, ठंडी पेरू धारा के कारण यहाँ पे इस मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, क्योंकि ठंडी धारा के कारण यहाँ वाष्पीकरण और वर्षा, इवेपोरेशन और रेनफॉल बहुत कम होती है. इसीलिए यहाँ पर एटाकामा नाम का एक ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो बना है. अब ये एटाकामा डेजर्ट कौन कौन से देशों में है, तो ये थोड़ा पेरू में है और थोड़ा चिली के नदन पार्ट में. तो पेरू और चिली में स्थित है ये मरुस्थलीय क्षेत्र. अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें जो इस कोस्टल रीजन की वो देख लेते हैं. सबसे लंबी तटवर्ती मैदान है, नाइट्रेट फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है, किसके कारण, गुआनो नाम के पक्षी के कारण जो कि यहाँ पर मलमूत्र त्यागते हैं. सकड़े मैदान है, तांबे के भंडार यहाँ पाए जाते हैं और मध्यवर्ती भाग में एटाकामा नाम का मरुस्थल भी यहाँ है जो चिली और पेरू में स्थित है. तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई इस प्लेन रीजन से रिलेटेड. अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्लेन प्लेन. मध्यवर्ती मैदान जो है ये पूरा लानोस, उसके साथ साथ ये अमेजन का बेसिन, सेल्वास, ये ग्रान चाको, पंपास, ये पूरा
सेंट्रल प्लेन रीजन है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है। इस मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का निर्माण यहाँ जो विभिन्न नदियां हैं, जैसे ओरिनोको जैसी नदी, अमेजन जैसी नदी, कोलोराडो जैसी नदी, पराना जैसी नदी, इन नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट करती है ये रिवर्स, उनके थ्रू हुआ है इनका फॉर्मेशन। ये प्लेन रीजन काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, इसीलिए साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा यूजफुल प्लेन रीजन यही वाला है। एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग, पशुपालन, कृषि, इन सब के लिए उपयोगी है ये वाला मैदानी क्षेत्र। अब इस मैदानी क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, तो इसमें एक तो सम्मिलित है सेल्वास नाम के वर्षावन रेन फॉरेस्ट, उसके अलावा कई सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जैसे लानोस, ग्रांड चाको यहाँ पे जो दिख रहा है, और अमेजन के बेसिन में जो थे कैम्पोस, सेराडोस, कैटिंगस, वो सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स इसी का पार्ट है, इसी मैदानी क्षेत्र का पार्ट है। पंपास नाम के जो ट्रॉपिक टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वो भी इसका हिस्सा है। तो कुछ ग्रासलैंड्स है यहाँ पर, और एक इम्पॉर्टेंट रेन फॉरेस्ट इस सेंट्रल प्लेन रीजन का पार्ट है। अब इम्पॉर्टेंट जो रेन फॉरेस्ट है अमेजन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा जब हमने अमेजन रिवर बेसिन किया था, तब देखा था कि अमेजन बेसिन को कहा जाता है विश्व के फेफड़े, इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी है यहाँ पर, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। तो एक तो बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सेल्वास, दूसरी चीज सेल्वास वाले रीजन में काफी ज्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, और एक इम्पॉर्टेंट ट्री यहाँ पे ग्रो होता है जिसका नाम है बालसा। और ये जो बालसा नाम का वृक्ष है, ये विश्व में सबसे हल्की लकड़ी वाला वृक्ष है, लाइटेस्ट वुड ट्री यहाँ पर पाया जाता है। और उसके साथ साथ सिंकोना नाम का जो ट्री है जिसे मलेरिया की दवा बनती है, वो भी इस अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है ये, और बालसा नाम का वृक्ष यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे हल्की लकड़ी वाला वृक्ष है। उसके अलावा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में तो वही वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं, एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग आदि के लिए यूजफुल है। अब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसका नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उसका नाम है पंपास। पंपास को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले ब्रीफ में देख लीजिए। इस मैदान में वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सेल्वास है विश्व के फेफड़े कहलाते हैं, लानोस, ग्रांड चाको, सेराडोस, कैटिंगस और पंपास नाम के घास के मैदान, पशुपालन और कृषि के लिए उपयोगी है सेंट्रल प्लेन रीजन, और इसी सेंट्रल प्लेन रीजन का पार्ट है पंपास। और पंपास अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये पंपास कौन कौन से देशों में विस्तृत है वो देखिए। पंपास मेनली एक्सटेंड, ये पूरा ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पंपास है। पंपास का विस्तार एक तो अर्जेंटीना में है, उसके अलावा ये जो देश है ये है उरुग्वे और ये है ब्राजील। तो पंपास ग्रासलैंड तीन मेजर कंट्रीज में विस्तृत है, ज्यादातर अर्जेंटीना में है, थोड़ा कुछ पार्ट उरुग्वे में है और कुछ पार्ट ब्राजील में भी है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जहाँ पे भी होते हैं उनमें प्रेरीज घास के मैदान जैसी क्वालिटीज होती हैं। आपको याद होगा प्रेरीज ग्रासलैंड में हमने किया था चर्नोजन नाम की एक उपजाऊ मृदा पाई जाती है जिसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, उसका रंग काला होता है और उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर भी इस मैदान में भी पाई जाती है चर्नोजन नाम की मृदा। उपजाऊ मृदा के कारण इसका उपयोग किया जा सकता है कृषि के लिए, उसके साथ साथ प्राकृतिक रूप से नेचुरली यहाँ पे बहुत न्यूट्रिशियस ग्रास जो है वो डेवलप होती है, और यहाँ एक अल्फा अल्फा नाम की घास भी विकसित होती है। अच्छी न्यूट्रिशियस पौष्टिक घास की वजह से इस पूरे घास के मैदानी क्षेत्र को उपयोग में लिया जा सकता है एनिमल रियरिंग के लिए, पशुपालन के लिए। तो ये पशुपालन के लिए उपयोगी है काफी। उसके अलावा ये जो पंपास घास के मैदान है, जैसे प्रेरीज में गेहूं की खेती होती है, वैसे ही इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, टेम्परेट ग्रासलैंड में भी वीट कल्टीवेशन किया जाता है, और उस गेहूं की खेती के कारण ही अर्जेंटीना जो है ये काफी बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, क्योंकि अर्जेंटीना के काफी बड़े भाग में पंपास ग्रासलैंड है। सो वैसे तो वीट कल्टिवेशन के काम में आता है, थोड़ा बहुत यहाँ मक्का वगैरह भी ग्रो किया जाता है। उसके अलावा आजकल क्या किया जाने लगा है, पंपास ग्रासलैंड में कहीं कहीं पर अंगूर की खेती भी करते हैं, और उस अंगूर की खेती से वाइन प्रोड्यूस की जाती है। तो ये जो घास के मैदान है इसका वाइन प्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत काम में लिया जाता है इसको। स्पेशली अर्जेंटीना में एक स्थान है जिसका नाम है मेंडोजा, शहर है अर्जेंटीना में, मेंडोजा में वाइन प्रोडक्शन किया जाता है अंगूर की खेती द्वारा इस पंपास के घास के मैदानी क्षेत्र में। इन सब के अलावा अगर देखें कृषि और पशुपालन के लिए उपयोगी है घास के मैदान। यहाँ पे जो मवेशी फार्म्स होते हैं, कैटल फार्म्स, उसे कहा जाता है एस्टेंशिया,
और इन कैटल फार्म्स की जो देखरेख करते हैं उन्हें कहा जाता है ग्वाचो। सो ओवरऑल जो है पंपास ग्रासलैंड उसमें ये मेन चीज है। जैसे आपको याद होगा जब हमने प्रेरीज किए थे वहां पे भी हमने बात की थी कि कैटल फार्म्स को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, उनकी देखरेख काउबॉय द्वारा की जाती है, तो वो सब चीजें हमने प्रेरीज में देखी थी। वैसे ही प्रेरीज जैसे ही यहाँ पर भी कैटल फार्म्स का पर्टिकुलर नाम है, ग्वाचो जो है इनकी देखरेख करते हैं। अब ये जो पंपास ग्रासलैंड है इसका बेसिक टेक्स्ट देख लेते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और मेनली तीन देशों में विस्तृत है, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना में। और चंडोजम मृदा है, पौष्टिक घास है, अल्फा अल्फा घास स्पेशली यहाँ पे है, कृषि पशुपालन के लिए उपयोगी है और उसके साथ साथ कहीं कहीं अंगूर की खेती भी होती है। वैसे ज्यादातर गेहूं की खेती होती है, कुछ भागों में अंगूर की खेती भी होती है, खासतौर पर मेंडोजा नाम का जो स्थान है यहाँ पर, यहाँ वाइन प्रोड्यूस की जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है प्रेरीज ग्रासलैंड पंपास ग्रासलैंड की। पंपास देखने के बाद अर्जेंटीना के आसपास एक द्वीप है उसको डिस्कस करेंगे। अर्जेंटीना ही क्या, साउथ अमेरिका में जो मेजर आइलैंड्स हैं उनको एक आध को डिस्कस करते हैं, मोस्टली अर्जेंटीना के पास है। सबसे पहला फॉकलैंड आइलैंड जो अर्जेंटीना के ईस्टर्न कोस्ट के पास है उसको डिस्कस करते हैं। ये है अर्जेंटीना और चिली वाला सदर्न पार्ट और उसके ठीक ईस्ट में फॉकलैंड नाम का आइलैंड है। ये फॉकलैंड आइलैंड अभी वर्तमान में तो यूके के क्षेत्राधिकार में, यूके का कंट्रोल में, बट अर्जेंटीना और यूके के बीच में इस आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है जो कि यहाँ अर्जेंटीना की ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन में स्थित है। इस आइलैंड का एक नाम और है, इसे मालविनास आइलैंड भी कहा जाता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, यूके अर्जेंटीना के बीच में डिस्प्यूटेड है। सो ये एक आइलैंड हो गया साउथ अमेरिका का। इसके अलावा एक अन्य आइलैंड जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, ये टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैगलिन जल संधि टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड को मेनलैंड साउथ अमेरिका वाला जो है उससे सेपरेट करती है। अब ये टेरा डेल फ्यूगो किसके क्षेत्राधिकार में आता है? टेरा डेल फ्यूगो का कुछ पार्ट, ये वाला हिस्सा, कुछ पार्ट तो है अर्जेंटीना के पास और ये जो बाकी इधर वाला पश्चिमी भाग है ये आता है चिली के अंतर्गत। तो चिली और अर्जेंटीना के क्षेत्राधिकार में है ये वाला द्वीप। इस आइलैंड को अगर देखें तो इस आइलैंड में कुछ मेजर सिटीज हैं अर्जेंटीना और चिली की। अब उन सिटीज को इम्पोर्टेंस इसलिए मिलती है क्योंकि ये सिटीज जो है ये सदर्न मोस्ट सिटीज मानी जाती है वर्ल्ड की, ये सबसे दक्षिणतम प्रमुख शहर माने जाते हैं विश्व के। और इसमें अर्जेंटीना का एक शहर है उशुआया, ये वहां पे, यहाँ पे जो दिख रहा है उशुआया, उशुआया जो शहर है अर्जेंटीना का, अभी तक उसे विश्व का दक्षिणतम शहर माना जाता था, परंतु कुछ समय पहले चिली ने इससे भी दक्षिण में एक शहर है चिली का जिसका नाम है प्यूरिटो विलियम्स या पोर्ट विलियम्स भी कहते हैं। तो चिली ने अब इस शहर को, इसको शहर की संज्ञा दे दी है, स्थान को, पहले ये शहर नहीं था, ये एक टाउन था या छोटा कस्बा था, इसको शहर की संज्ञा देते ही अब जो सबसे दक्षिणतम शहर है विश्व का वो प्यूरिटो विलियम्स हो गया है। तो पहले था उशुआया सबसे दक्षिणतम शहर विश्व का और अब हो गया है प्यूरिटो विलियम्स सबसे दक्षिणतम शहर। और ये जो है ये सेपरेट होता है मैगलेन जलसंधि द्वारा, टेरा डेल फ्यूगो मेनलैंड से, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप मेनलैंड से, मुख्य भूभाग से मैगलेन जलसंधि से अलग हो रहा है, ये हम पहले देख चुके हैं। सो ये हो गया टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गालापागोस द्वीप जो है उसको, अब ये कहाँ स्थित है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो गालापागोस द्वीप आपको यहाँ जो दिख रहा है, ये मेनली नदन पार्ट है साउथ अमेरिका का और ये इक्वेडोर देश है। इक्वेडोर के ठीक पश्चिम में गालापागोस द्वीप है और ये आइलैंड जो है ये इक्वेडोर के क्षेत्राधिकार में ही आते हैं। खास बात ये है कि इस द्वीपीय क्षेत्र से गुजरती है 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ जैव विविधता ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने के साथ साथ यहाँ एक
ओलिव रिडले नाम के जो टर्टल हैं, कछुए, वो पाए जाते हैं। और ये ओलिव रिडले कछुए इस पर्टिकुलर आइलैंड से प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं, पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करते हैं, फिर इंडियन ओशन में एंटर करते हैं और उड़ीसा के पूर्वी तट तक पहुँचते हैं। तो इंडिया तक आते हैं ओलिव रिडले नाम के कछुए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ओलिव रिडले कछुओं का मुख्य निवास स्थान है ये गलापागोस द्वीप। और ये जो है ओलिव रिडले कछुए जब प्रवास करते हैं उड़ीसा के तट तक पहुंचते हैं, तो उड़ीसा में इन्हें भीतरकनिका अभयारण्य जो है उसमें भीतरकनिका और गहिर माता अभयारण्य में इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इन कछुओं की वजह से ये गलापागोस द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए इसकी बेसिक चीजें, विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है, गहन वनस्पति जैव विविधता यहाँ देखने को मिलती है, इक्विडोर के क्षेत्राधिकार में, ओलिव रिडले खास बात है इसकी, और ये भीतर कनिका में और गहिर माता अभयारण्य में इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, इन कछुओं को, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए नेक्स्ट जो आइलैंड और नेक्स्ट जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको देख लेते हैं हम। इंडस्ट्रीज में सबसे पहले ओवरऑल अगर हम साउथ अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ को देखें, तो पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, वेस्टर्न साइड से। यहाँ एक कंट्री है ये कोलंबिया। कोलंबिया जो है उसका उसमें मुख्यतः कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कॉफ़ी की प्रोडक्शन के लिए फेमस है, कुछ स्थानों पर कोकोआ प्रोडक्शन भी होता है। कोलंबिया के दो मेजर स्थान हैं मेडेलिन और मानीजेल्स। ये जो दो स्थान हैं ये दोनों फेमस हैं कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ कोलंबिया में जो कॉफ़ी के फार्म्स हैं इन्हें कहा जाता है, इन्हें एक नाम दिया गया है फिनका। सो कोलंबिया कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो इक्वेडोर दिख रहा है, इक्वेडोर देश में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है केले का, बनाना, कॉफ़ी का, और रबड़ जो है उसका भी उत्पादन होता है, क्योंकि ये इक्वेडोर वाले रीजन में इक्वेटर गुजरता है, तो रबड़ आदि का प्रोडक्शन स्पेशली इक्वेटोरियल रीजन वाले क्षेत्र में अधिक होता है। फिर ये जो आपको देश दिख रहा है ये पूरा, ये है पेरू। पेरू देश की कैपिटल लीमा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेरू की कैपिटल लीमा, और पेरू में यहाँ लीमा के थोड़ा ऊपर एक स्थान है जिसका नाम है सेरो डी पास्को। सेरो डी पास्को नाम का स्थान जो है ये सिल्वर के लिए, चांदी के उत्पादन के लिए विख्यात है। चिली, ये जो येलो कलर का स्ट्रिप दिख रहा है ये कंट्री है चिली। चिली में चिक्विका माता करके एक माइन है जो कि मेनली फेमस है कॉपर के लिए, तांबे के प्रोडक्शन के लिए। ये विश्व की तांबे की जितनी भी माइंस हैं उनमें ओपन माइंस में खुली जो खाने होती हैं उनमें सबसे बड़ी खान है। ये नेम बहुत फेमस है, ये प्री में आ सकता है, चिक्विका माता माइंस। इसके अलावा हम आ जाते हैं थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट में, वेनेजुएला जो है, आपको याद होगा वेनेजुएला में मराकाइबो झील है, वेनेजुएला में ओरिनोको नदी है जिनके बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम ऑयल का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए वेनेजुएला जाना जाता है तेल के उत्पादन के लिए। उसके बाद उसके पास जो गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर गुयाना हाईलैंड है। गुयाना हाईलैंड का विस्तृत भाग जो है वो मेनली बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए, गोल्ड, डायमंड, इन सब के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुयाना और सूरीनाम वाले क्षेत्र में बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है मेनली, और वेनेजुएला में होता है ऑयल का। इसके बाद ब्राजील पे बाद में आएंगे, ब्राजील में बहुत सारे क्षेत्र हैं। ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में मेनली जो इसका ये कैपिटल सिटी है ब्यूनस एरेस, इसमें शिप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहाज निर्माण, उसके साथ साथ पंपास ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं जहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, तो यहाँ से गेहूं एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इसके ठीक दक्षिण में, ब्यूनस एरेस के ठीक दक्षिण में कोस्टल रीजन पे, यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है बहिया ब्लांका। बहिया ब्लांका जो तटवर्ती क्षेत्र है या पोर्ट है एक इम्पॉर्टेंट, ये पोर्ट कॉर्न या मक्का और तंबाकू के एक्सपोर्ट के लिए एक मेजर पोर्ट है। तो मक्का, तंबाकू, ये सब मेनली कहाँ हो रहा है प्रोडक्शन? पंपास ग्रासलैंड में। सो बहिया ब्लांका और ये ब्यूनस एरेस, ये अर्जेंटीना में मेजर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स और एक्सपोर्टिंग रीजन है। अब हम देखते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील में कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्षेत्र हैं,
सबसे पहले है अमापा माइंस। ये अमापा नाम किस चीज का? ब्राजील में एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है अमापा, और वो राज्य कहाँ है? ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो ये जो स्टार बना हुआ है ये अमापा माइंस के लिए। तो अमापा माइंस ब्राजील में लगभग यहाँ स्थित है और मेनली फेमस है मैंगनीज के प्रोडक्शन के लिए, यहाँ मैंगनीज के भंडार मिलते हैं। दूसरा प्रमुख जो क्षेत्र है जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, रेसिफ। ये रेसिफ नाम का जो स्थान है ये एक कोस्टल रीजन पे स्थित पोर्ट है, बंदरगाह है, और इसका यूज होता है शुगर के एक्सपोर्ट के लिए। इसलिए क्योंकि ब्राजील जो है ये काफी बड़ा शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यहाँ पे गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, चीनी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, और उस चीनी का एक्सपोर्ट निर्यात जो किया जाता है वो रेसिफे नाम के बंदरगाह से, पोर्ट से किया जाता है। फिर है इल्ह्यूस। थोड़ा सा अगर रेसिफे के थोड़ा दक्षिण में जाएंगे तो इल्ह्यूस नाम का यहाँ पर एक बंदरगाह दिखता है, और ये बंदरगाह जो है ये कोकोआ एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। कोकोआ भी यहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ब्राजील में चीनी, कोकोआ, कॉफ़ी इन सब का प्रोडक्शन होता है। उसके साथ साथ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ब्राजीलियन उच्च भूमि में काफ़ी ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। जो ये इल्ह्यूस है उसके ठीक ऊपर अगर आप एटलस में देखेंगे तो साल्वाडोर नाम का पोर्ट है। साल्वाडोर पोर्ट को दास बंदरगाह कहते हैं, स्लेव पोर्ट कहते हैं, क्योंकि पुराने समय में यहाँ पे दासों को लाया जाता था इस पोर्ट पे। और उसके बाद ये वाला जो आपको स्टार दिख रहा है ये है बेलो हॉरिजोंटे नाम का स्थान। ये बेलो हॉरिजोंटे जो है ये मिनास गेरास, जो मैंने आपको कैपिटल स्टेट बताया था मिनास गेरास नाम का ब्राजील में, उस मिनास गेरास स्टेट की कैपिटल है बेलो हॉरिजोंटे। और बेलो हॉरिजोंटे वाले क्षेत्र में ही इताबिराम नाम की माइन है उसी के आसपास। सो इताबिरा और बेलो हॉरिजोंटे दोनों ही आयरन ओर के लिए, लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों ही मेजर माइंस हैं। उसके अलावा वोल्टा रेडोंडा, ये वोल्टा रेडोंडा जो है ये वाला जो आपको दिख रहा है स्थान तटवर्ती क्षेत्र में ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास, ये वोल्टा रेडोंडा रियो डी जेनेरियो में है। रियो डी जेनेरियो एक पोर्ट सिटी है, इस पोर्ट सिटी में ही ये वोल्टा रेडोंडा स्थान है, और ये फेमस है स्टील के उत्पादन के लिए, स्टील प्रोडक्शन के लिए, स्टील इंडस्ट्री यहाँ काफी ज्यादा है। कॉफी के प्रोडक्शन के लिए फेमस है ये शहर, ये जो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है इस शहर का नाम है साओ पाउलो। साओ पाउलो में जो कॉफी प्रोड्यूस होती है वो सेंटोसा नाम का बंदरगाह, यहाँ ये तट पे है सेंटोसा या सेंटोस, इस सेंटोस बंदरगाह के माध्यम से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कॉफी प्रोड्यूस होती है साओ पाउलो में और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है सेंटोस बंदरगाह से, और इसीलिए सेंटोस बंदरगाह को कहते हैं कॉफी पोर्ट। अब यहाँ ब्राजील में जो कॉफी के एस्टेट्स हैं या कॉफी के जो फार्म्स हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है, और फजेंडा वाला जो स्थान है, जो भी कॉफी के फार्म्स हैं वहां मेनली कहा जाता है कि टेरारोजा नाम की एक सॉइल पाई जाती है जो कॉफी प्रोडक्शन के लिए काफी यूजफुल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रीजन मेनली ब्राजील में ज्यादा है और बाकी सब क्षेत्रों में थोड़ा एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज ज्यादा देखने को मिलती है। पंपास ग्रासलैंड वाले रीजन में मीट प्रोडक्शन भी होता है, कुछ कुछ क्षेत्रों में वूल प्रोडक्शन, ऊन जो है उसका उत्पादन भी किया जाता है। ये कुछ मेजर माइंस और मेजर स्थान थे जिनके हमने नाम देखे। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कोलंबिया में जो कॉफी के फार्म्स हैं उन्हें फिनका कहा जाता है, जबकि ब्राजील में कॉफी के फार्म्स को कहा जाता है फजेंडा। सो ये इम्पॉर्टेंट चीजें थी इससे रिलेटेड। सो ये है माइंस और इंडस्ट्रीज स्पेशली। अब साउथ अमेरिका से रिलेटेड जो कुछ थोड़े बहुत एनिमल्स वगैरह हमको देख लेते हैं। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र है वो जब हमने किया था तब मैंने आपको बताया था लामा, अल्पाका, ये सब एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। तो लामा और अल्पाका में ये देखिए, लामा अल्पाका ये दो मेजर एनिमल्स हैं, दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, बट लामा जो होता है वो थोड़ा ज्यादा लंबा, ज्यादा ऊंचा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और अल्पाका उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। दोनों का ही यूज किया जाता है वूल प्रोडक्शन के लिए, ऊन के उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख पशु है ये। उसके अलावा है ये है आर्मेडिलो, ये है एंट ईटर। एंट ईटर मतलब ये एंट और छोटे मोटे कीड़ों को खाने वाला है, और ये है आर्मेडिलो जिसका बाहरी कवच जो है वो काफी स्ट्रांग होता है। सो ये कुछ और एनिमल्स हैं। इसके अलावा यहाँ एक ऐसी बर्ड पाई जाती है जिसका नाम है कॉन्डोर।
कॉन्डोर नाम की जो बर्ड है ये लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड है, मतलब उड़ने वाले पक्षियों में ये सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, काफी ज्यादा बड़ा है। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो कितना बड़ा बर्ड है ये ह्यूमन बीइंग है, और इसके कंपैरिजन में ये बर्ड का जो साइज है वो कितना बड़ा है। सो ये कॉन्डोर नाम का बर्ड भी यहाँ पाया जाता है। फिर यहाँ अन्य जो बर्ड्स हैं, रिया नाम की ये बर्ड है, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रिच जैसी दिख रही है, रिया नाम की ये बर्ड जो है ये अपने वजन के कारण और पंख छोटे होने के कारण ये फ्लाइटलेस है, ये उड़ती नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमिंग बर्ड यहाँ पाई जाती है साउथ अमेरिका में। हमिंग बर्ड की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक जगह वो फ्लाई कर सकती है, एक ही जगह टिक कर, जैसे हेलीकॉप्टर एक जगह ही स्थिर होकर भी उड़ सकता है वैसे ही ये भी स्थिर होकर उड़ सकती है, तो हमिंग बर्ड भी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एरिया की। हमिंग बर्ड के अलावा ये है टुकन बर्ड। टुकन बर्ड की इंपॉर्टेंट चीज़ ये काफ़ी कलरफुल होती है इसकी बीक, और ये वाला जो क्षेत्र है चोंच वाला एरिया ये काफ़ी कलरफुल होता है और काफ़ी बड़ी भी होती है इसकी बीक। वुडपेकर जैसे ही ये अपनी बीक का काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करती है, तो ये टुकन बर्ड भी इंपॉर्टेंट है साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका से रिलेटेड जो मेजर चीज़ें थी वो आज हमने डिस्कस कर ली। आप एटलस देखिए, उसके आसपास जितने भी ओशनिक रीजन है, जितने भी सीज वगैरह हैं, सागर आदि, उन सबको देखिए और इस साउथ अमेरिका को रिवाइज कीजिए। साउथ अमेरिका के दो ही वीडियोस हैं, इन दोनों वीडियोस में साउथ अमेरिका की मेजर चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू।